इमाम अहमद रजा हां बरेलवी पालकी चुकन वाले चुकी मोंडे थे मजदूर सैयदजादा है जो ही पालकी तरी ना मोंडे थे इमाम अहमद रजा आवाज दी पालकी उतार दे केड़े इलम ते नूर नाल तकदा पिया के थल्ले सैयदजादा ते मैं उत्ते हां पालकी तू उतर के पुछिया कौन है तुहाडे च सैयदजादा आथर इंज बन के ना सैयदजादा अर्ज करदा है हजूर मैं हां ते गरीब हां मजदूरी कर निकलिया कोई जुर्म नहीं कीता कोई ऐब नहीं कीता कोई गलती नहीं कीती हजूर बैठो चलिए मैं ना शाहजी माफी दियो ना मैं गल शायद तुहानू समझ नहीं आई मैं गल कीती की है कि बंदे दा वक्त भी होवे ते प्रोटोकॉल भी होवे हजूर बैठो चलिए हाथ जोड़ के अर्ज कीती शाहजी हजूर माफी दियो अपने फरमाया माफी है हजूर बैठो चलिए कोई मसला ही नहीं है मैं ते अपनी मजदूरी मैं पैसे लेने ने वापस मुड़ जाना है हजूर मैं ते अपनी तनखा लेनी इस काम दी ते कोई गल नहीं तुसी जनाब मेरी बैठो चलने आ फरमाया नहीं अज ते तेरे मुंडिया तबों दा कल हजूर नूं मूंह वहां दा ते की कल हजूर नूं केड़ा चेहरा वखावां दा कि अहमद रजा तेनू इलम मिलिया सी ते दा मतलब है मेरे पुत्रां दे मोंडियां ते सफर करना शुरू कर दिता ही मैं अर्ज कीता प्रोटोकॉल होवे ते फिर अपने मुकाम दा तयन करना ओए सदीक अकबर नूं प्रोटोकॉल भी मिलदा पिया पर फिर भी नबी दे बूहे ते हथ बन के खलोते ने ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा विचों और हजूर दी असवाज विचों और हजूर दी औलाद पाक विचों किसे नूं ये आजाद हासिल नहीं कि तीन दिन ते तीन रातां तन्हाई दे अंदर अगर नबी पाक दियां मिलियां ने तो सिर्फ सदीक अकबर नूं मिलियां ने